अकेला वो शख्स नहीं जाएगा, होल कैबिनेट अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रख सकता है, ठीक है, और सारे के सारे फिर कबीना और वजीर आजम घर जाएंगे, ठीक है, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत क्या है? हुकूमत वजीर आजम और कबीना के ऊपर तो मुश्तमिल है, ये हुकूमत है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर तमाम इख्तियार वजीर आजम के पास होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अकेला खुद कुछ नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम, एक टीम वर्क हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह के कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज करके पूछे जा सकते हैं, टीम वर्क कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो रहा होता है, पार्लियामेंट्री है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज साथ साथ चलते हैं, प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर याद रखिएगा तमाम के तमाम इख्तियारात सदर के पास होते हैं। सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर वज़ीर आज़म का कोई तसव्वुर नहीं होता, ठीक है, जहाँ तमाम इख्तियारात वो अकेला शख्स है जिसको हम सदर का टाइटल देते हैं, और वो उसके ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब बात आती है, यहाँ पे वो टीम वर्क नहीं करेगा, ये बात याद रखनी है, यहाँ टीम वर्क नहीं हो रहा, टीम वर्क वहाँ पर ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है हेड ऑफ स्टेट का, हेड ऑफ स्टेट आप पूरा लिख लें, और एक है हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये जो हेड ऑफ स्टेट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, ये याद रखना है हमेशा, खासतौर पे वो जिनको नहीं पता, ये कौन है, प्रेसिडेंट होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हेड ऑफ स्टेट हमेशा प्रेसिडेंट होता है, रियासत का सरबरा, ठीक है, और हुकूमत का सरबरा हमेशा वजीर आजम होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और सारे के सारे जो एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, ये एग्जेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ये शख्स होता है। इसके पास सेरेमोनियल पावर्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं बराए नाम सेरेमोनियल पावर्स होती हैं, ठीक है, असल में इख्तियारात इसके पास होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हाँ, और ये याद रखना है, चूँकि यहाँ पे वज़ीर आज़म का कोई तसव्वुर नहीं है, तो एक ही शख्स हुकूमत का भी सरबरा है और रियासत का भी सरबरा है, ठीक है। यहाँ पे एक ही शख्स हुकूमत का भी सरबरा है और हुकूमत रियासत का भी सरबरा है, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा लिख लें ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लिख लें, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहला पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, आप भी लिख लें, ये आपके बड़े काम आएंगी चीजें, He is the leader of the house. Prime Minister along with his ministers, your Prime Minister along with his cabinet. Prime Minister along with his cabinet works as a team. हो सकते हैं, हो सकते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है मिनिस्टर में और वजीर और मशीर में, फ़र्क ये होता है, याद रखिएगा, मिनिस्टर जो होता है ऑलवेज इलेक्टेड पर्सन होता है, जो शख्स इलेक्टेड ना हो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, ठीक है, वो वजीर नहीं बन सकता, वो मशीर बनेगा, अगर आप उसको इलेक्ट कर लोगे तो मशीर से वजीर बन जाएगा, वो इलेक्टेड पर्सन नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट वर्क एज अ टीम। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगली लिखते जाएं, अभी सारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लिखना है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट आर अनसर्वेबल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट आर अनसर्वेबल, अकाउंटेबल,
जवाब दे होते हैं बिफोर पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के सामने जवाब दे होते हैं, ठीक है, उनसे जवाब सवाल जवाब किए जा सकते हैं। आगे देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में लिखें नो कॉन्फिडेंस वोट, नो कॉन्फिडेंस वोट कैन डिसमिस प्राइम मिनिस्टर बिफोर हिज टेन्योर, उसकी मुदत पूरी होने से पहले उसको फारिग कर सकते हैं, ठीक है। नो वोट कॉन्फिडेंस कैन डिसमिस प्राइम मिनिस्टर बिफोर हिज टेन्योर। अगला पॉइंट, अब इधर आ जाए, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लिखना है, ठीक है। हाँ यस, ये लिख लें, प्राइम मिनिस्टर वो लीडर ऑफ द हाउस में से आ गया, लेकिन अलग से लिखना, अलग से लिख लें प्राइम मिनिस्टर, हमेशा याद रखिएगा इलेक्टेड मेंबर होता है, पहले वो इलेक्टेड मेंबर होगा पार्लियामेंट का, ठीक है, फिर वजीर आजम बनेगा। सदारती निज़ाम में ऐसा नहीं है और कबीना के लिए भी ऐसा ही है, पहले वो पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे फिर वो वजीर या वजीर आजम बनेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, यहाँ उलट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये देखिए, एक मिनट रह गया, ये लिख लें इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये अगला पॉइंट बना के लिख लें, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, ये अगला पॉइंट बना लें और फिर इधर आ जाइए। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लिखिए पहला पॉइंट, प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल, प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल बिफोर हिज कैबिनेट। अच्छा, सदन सदारती निज़ाम के अंदर सदन कभी भी अपनी काबीना को या पार्लियामेंट को जो है ना एक तरह से जवाब नहीं होता, ही इज ऑल इन ऑल, वो सब कुछ होता है, जो चाहे करे, मुकम्मल इख्तियार आता है उसके पास सदारती निज़ाम हुकूमत में, सदर के पास, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल बिफोर हिज कैबिनेट और एडवाइजर्स और लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। नेक्स्ट नंबर टू लिखें, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड फॉर एनी एडवाइस ऑन बिहाफ ऑफ एडवाइजर्स, हाँ एडवाइस ले सकता है लेकिन एडवाइस लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करे या ना, उसको फॉलोअप करे या ना करे, इस बात का पाबंद नहीं है सदन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, सदन को वहां पे तो था ना वजीर आजम को नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लगा, अदम एतमाद, जिसको उर्दू में कहते हैं अदम एतमाद का वोट, तो वजीर आजम गया और वजीर आजम को जाने का मतलब है कबीना भी ऑटोमेटिक तहलील हो गई। अब नए वजीर आजम की मर्जी है, वो चाहे तो आकर पुरानी जो काबीना है उसको बहाल कर दे, चाहे तो एक दो मिनिस्टर अपनी मर्जी से चेंज करके बाकी वही रखे, चाहे तो सारे तब्दील कर दे, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट के अंदर उस वक्त होगा जब वजीर आजम के ऊपर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लगा, वो अपने टेन्योर से पहले चला गया। अब जो नया वजीर आजम आया उसकी मर्जी है तो उसी पार्टी से ना, अब उसकी मर्जी है, अब उस समटाइम लाइकिंग डिसलाइकिंग भी आ जाती है, ठीक है। तो ये उसकी मर्जी है, चाहे तो उसी तरह से बहाल कर दे, एक दो शख्स को बहाल चेंज करके बहाल कर दे, या सारी की सारी काबीना तब्दील कर दे, उसकी मर्जी है। क्या कह रहे हैं, डिसॉल्व असेंबली नहीं हो रही, सिर्फ कैबिनेट होगी, ठीक है। जैसे ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लगा है वो इसी वक्त ख़त्म हो गया, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर, यहाँ पर पार्लियामेंट ही डिसॉल्व कर देनी, कैबिनेट डिसॉल्व हो रही है, पार्लियामेंट वही है, क्योंकि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट पे नहीं लग रहा, वजीर आजम और उसकी काबीना पे लग रहा है, ये पास पार्लियामेंट करती है, ठीक है। अच्छा जी, अगले पॉइंट पर आ जाए, इधर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, All powers are vested. All powers are vested to the president. सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर सदर और सदर की जो काबीना होती है, ये याद रखिएगा, ये बुनियादी शर्त है, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते,
सदारती निजाम हुकूमत में सदर ये उलट है, वहाँ पे वजीर आजम और उसकी कबीना को पहले पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ रहा था, फिर वो वजीर आजम या वजीर बन रहे थे। यहाँ उलट है, सदर सदारती निज़ाम में सदर बनना है या सदर की कैबिनेट का हिस्सा बनना है तो आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना नहीं होगा। अगर आप मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के मेंबर हो और आप साथ में सदर की कैबिनेट का हिस्सा बनना चाह रहे हो, यू हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम द पार्लियामेंट मेंबरशिप, ठीक है, फिर आप सदर की कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हो। एट अ टाइम दो चीज़ें सदारती निज़ाम में नहीं रखी जा सकती, ये अपोजिट है। इसके बाद ऑल पावर्स आर वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एट अ टाइम एक ही शख्स है सदारती निज़ाम हुकूमत में, और वो है प्रेसिडेंट। वो मैं आने लगा हूँ आगे, अगले पॉइंट आ रहा है, प्रेसिडेंट को किस तरह हटाया जा सकता है, वहाँ तो था ना नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लग गया। अब अगले पॉइंट है, प्रेसिडेंट कैन ओनली बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड इन केस ऑफ सीरियस क्राइम्स और लॉस ऑफ मेंटल एबिलिटी, अकल खो बैठे और ये तस्दीक हो जाए तो पागल हो चुका है, ठीक है। दो तीन सूरतें हैं, या बहुत ज़्यादा ग्रॉस मिसकंडक्ट कर बैठे, कोई बहुत बड़ा जुर्म कर बैठे, या अपनी अकल खो बैठे। इस बुनियाद के ऊपर उसका मुआवजा होगा और मुआवजे के ऊपर उसको रिमूव किया जाएगा, और ये मुआवजा इतना आसान नहीं होता, ये थोड़ा सा हैट ऑफ काम है, लेकिन अगर कभी हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट बच नहीं सकता, तो इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सदारती और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है 73 कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्लियामेंट्री है, ठीक है, पार्लियामेंट्री है। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें सदारती निज़ाम आया था? 62, शाबाश, ठीक है, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन था। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़, हाँ यस, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया फिर से, कौन पूछ रहे हैं आपको क्या लग रहा है कौन सा था सरदारी के दौर में? हाँ जी, था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही था, लेकिन हुआ ये था कि वो जो पावर्स थी ना माजी के अंदर, हुआ ये था मार्शल लॉज लगे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो असल सूरत थी वो उसका हुलिया बिगड़ चुका था, ठीक है। तो कहीं पे 58 भी लगा हुआ था, कहीं 17वीं तरमीम आ रही थी, ठीक है, उसके ज़रिए से सदर के पास कुछ इख्तियार आ गए थे और सदर काफ़ी हद तक एम्पावर हो चुका था। तो सरदारी साहब ने किया ये कि अपना सारा टेन्योर जब पूरा होने लगा, उन्होंने कहा अब दोबारा कभी नहीं आऊँगा, तो जाते जाते बाकी सारे सदर के हाथ बांध देते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 18वीं तरमीम की, और उसके ज़रिए सबसे पहले जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक ओरिजिनल शक्ल में बहाल करने की अटेम्प्ट लगाई, जो 73 का आईन है उसको उसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया। फिर उसके बाद सेकेंडली प्रोविंशियल ऑटोनोमी, सूबाई खुद मुख्तारियत जो है उसको प्रमोट किया उसके ज़रिए से, 18वीं तरमीम के ज़रिए से, ठीक है। नंबर 3, कंकरेंट लिस्ट जो थी वो रिमूव कर दी, उसके मामला प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिए, बहुत सारे फेडरल लिस्ट के मामला भी प्रोविंशियल लिस्ट में डालकर सूबों को खुद मुख्तार बना दिया, ठीक है। बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें की गई, सेनेट की सीटें बढ़ा दी गई, 4 सीटें बढ़ी थी, 100 से 104 कर दिया, ये 18वीं तरमीम बहुत बड़ी है। असल मकसद क्या था कि सूबे और वफाक का जो ताल्लुक है, सूबों का और वफाक का जो ताल्लुक है इसको मजबूत बनाया जा सके, इस रिश्ते को मजबूत बनाया जा सके, ये एक दूसरे के ऊपर एतमाद करें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, तभी एक अच्छी रियासत अच्छे माहौल के अंदर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में चल सकती है ना, ठीक है।